हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोस्टी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेंशन गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजिंग गाओजियांग को बचा लेता है और उसे पेल दे देता है, तो फिर ऐसे फाइट्स कंटिन्यू होते रहती है। लूजिंग रिफ्यूज कर रहा होता है लगातार फाइट्स को। तो चैप्टर नंबर 107 की स्टार्टिंग होती है, सिमियोंगलिंग बॉक्स में से एक कार्ड को निकालती है, वेल वो चैलेंज कार्ड होता है। वो सोच रही होती है कि लूजिंग ने अपने लास्ट पास टोकन को यूज किया ना, फिर रुको मैं लूजिंग को चैलेंज करती हूँ। सिमियोंगलिंग बोल रही होती है यही टाइम है, अब तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते इस टाइम है ना। लूजिंग बोलता है हाँ ये सच बात है, मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता हूँ, पर बात ये कि मैं रिफ्यूज करूंगा ही क्यों। निंग बोलते कि रुको, लूजिंग सोचते क्या। लूजिंग पीछे देखता है, निंग बोलते कि लूजिंग ध्यान से। लूजिंग बोलता है मुझे पता है, और वहां से कूद जाता है। निंग सोच रही होती कि ये सच में समझ, वेल निंग का चक्कर है लूजंग से, निंग लूजंग को प्यार करती है। चूजी बोल रहे होते कि मियोंगलिंग चांस मत देती इसको, ठीक है। सी मियोंगलिंग बोल रही होती कि ब्रदर चूज, तुम मेरी एबिलिटीज में ट्रस्ट नहीं करते क्या, मैं पक्के रिवेंज लूंगी, इस इंसान को पक्के मारूंगी मैं। लूजंग और सी मियोंगलिंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सी मियोंगलिंग बोल रही होती है कि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, क्या तुमने पर्पसली अपने सारे पास कार्ड्स को यूज किए ताकि तुम वेट कर रहे थे कि मैं तुम्हें चैलेंज करूं। लूजंग हंसता है और बोलता है कि मुझे तो चैलेंज कार्ड नहीं मिला, तो मैं इसलिए वेट कर रहा था कि तुम मुझे चैलेंज करो। लूजिंग को चैलेंज कार्ड अच्छा हाँ उसने यूज कर लिया था। सिमियोंगलिंग बोल रही होती कि तुम्हें डर नहीं है मरने का क्या, यार तुम्हारे पास भी कुछ गोल है उस इंसान की तरह, गाओजियांग की तरह। फिर वो ऊपर देखती है लुयान की तरफ और बोल रही होती है कि तुम्हारे पास भी सेम सरनेम है उस गर्ल की तरह, लुयान की तरह। चीजें इतने ज्यादा भी सेम नहीं हो सकती है ना, चलो कुछ भी बात हो, कोई बात नहीं है, चाहे तुम मुझे कैसे भी चैलेंज करना चाहते हो, अब तुम इससे बच नहीं सकते हो। फिर वो एक स्मोक को क्रिएट कर लेती है अपने अराउंड और पूरे अरण्य में फैल देती है। लूजंग सोच रहा होता है ये क्या चीज है। लूजंग का आगे सिमियोंगलिंग दिखती है, सिमियोंगलिंग हंस रही होती है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे थे तो एक टेरिटरी है, ये एक पर्पल पैसिव टेरिटरी है, ये वैसे वही यूज नहीं करते जो गॉड सी रैलम के होते हैं मार्शल आर्टिस्ट। तो वेल हमें पता है पहले सेलेस्ट रैलम होता है, फिर गॉड लैंड स्टेट होती है, फिर वर्चुअल डिजास्टर रैलम होता है, फिर लिम्बो रैलम होता है, उसके बाद होता है गॉड सी रैलम। तो दूसरा डिस्पेल बोल रहे होते पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि इसके पास पर्पल पैसिव बॉडी है। लूजंग सोच रहे होते हैं टेरिटरी। सिमियोंगलिंग जो होती है वो नाइफ्स को निकाल लेती है, छोटे छोटे लूजिंग की तरफ भेज रही होती है। लूजिंग उन्हें डोज कर रहा होता है, लूजिंग एक को तो डोज कर लेता है पर एक बिल्कुल लूजिंग के सामने आ जाता है जो कि उसकी टेरिटरी होती है सिमियोंगलिंग की। और जो स्मोक होती है वो एक हैंड की तरह फॉर्म होकर लूजिंग को पकड़ लेती है, और जो नाइफ होता है वो लूजिंग के साइड से निकल जाता है और लूजिंग की गाल में कट लग जाता है। लूजिंग की गाल से खून निकल रहा होता है, वो नाइफ पीछे बाउंस बैक होकर लूजिंग की तरफ फिर से आ रहा होता है पीछे से। लूजिंग डोज कर लेता है उसे, वो स्मोक होती है उसने लूजिंग के हाथ को पकड़ लिया होता है और नाइफ उसके हाथ के पास से निकलता है और उसके कपड़ा फट जाता है, लगी नहीं होती उसे। सिमियोंगलिंग बोल रही होती है ये यूजलेस है, मेरी पर्पल पैसिव टेरिटरी में तुम सिर्फ एक भेड़ हो जो कि इंतजार कर रही है कब उसे काटा जाए। लूजिंग ऐसे डोज कर रहा होता है नाइफ्स को। लूजिंग सोच रहा होता है कि मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हूँ, मुझे अटैक करना चाहिए उसके ऊपर। सिमियोंगलिंग बोल रही होती है कहाँ पे तुम्हारी स्पोर्ट स्पिरिट, तुम उसे बुलाते क्यों नहीं अपनी ब्यूटीफुल स्पोर्ट स्पिरिट को, अगर उसकी वजह से नहीं होता तो तुम चियुन के खिलाफ नहीं जीत सकते, पर फिर भी अगर तुम यहाँ पे उसे समन भी करोगे तो वो यूजलेस ही होगी, तुम मेरे पर्पल पैसिव टेरिटरी से नहीं के भाग सकते हो। लूजिंग नाइफ्स को डोज कर रहा होता है तो फिर वो वहां से एकदम से गायब हो जाता है और सिमियोंगलिंग की सामने आ जाता है। सिमियोंगलिंग भी हैरान हो जाती है। लूजिंग बोल रहा होता है ये बकवास करना बंद करो और मर जाओ यहाँ पे। लूजिंग सोच रहा होता है कि मैंने अपने 300 ड्रैगन स्किल्स की पावर को एक्टिवेट कर ली है, अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट वर्चुअल डिजास्टर रैलम का भी होगा वो भी इसे झेल नहीं पाएगा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम अब इससे कैसे लोगे। सिमियोंगलिंग स्माइल करती है और वहां से गायब हो जाती है। लूजिंग के पंच से वो पूरा अरेना टूट जाता है, सिमियोंगलिंग उसके पीछे जाती है। सिमियोंगलिंग सोच रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने सबसे ज्यादा मुश्किल जो बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ स्पेस, उसे मास्टर किया हुआ है, और मुझे ये नहीं पता कि तुमने वो कैसे किया हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली ये बुरी बात है क्योंकि ये यूजलेस है यहाँ पे। पर लूजिंग वहां से नाइफ से बच के बिल्कुल सिमियोंगलिंग के सामने इसलिए आया होता है क्योंकि उसने लॉ ऑफ स्पेस यूज किया होता है। मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि देखो जो लॉ ऑफ स्पेस है, लूजिंग ने सभी लॉज को कॉम्प्रिहेंड किया हुआ है, ये वैसे टेक्निकली इम्पॉसिबल है किसी का इतना ज्यादा लॉज को मास्टर करना, अगर तुम दो को भी लॉ को मास्टर करोगे तो तुम एक गॉड लाइक जीनियस कंसिडर किया जाएगा। तो इस हिसाब से लूजिंग किस तरह का जीनियस है। लूजिंग आ गया था सिमियोंगलिंग को पंच मारता है पर वो वेल स्मोक ही होती है। सिमियोंगलिंग ऐसे गायब हो जाती है स्मोक की तरह और लूजिंग के पीछे आ जाती है, वो नाइफ को यूज करती है लूजिंग की तरह, फिर लूजिंग भी अपने फ्लाइंग नाइफ को यूज करता है और उसके सारे जो ब्लेड्स होते हैं छोटे छोटे उन्हें कट कर देता है, पर सिमियोंगलिंग को वो लगता है और वो सिमियोंगलिंग फिर से स्मोक की तरह गायब हो जाती है। लूजिंग सोच रहे होते हैं तो बड़ा अजीब है, सिमियोंगलिंग कैसे एक स्मोक की तरह डिसअपीयर हो सकती है हर टाइम जब भी मैं उसकी तरफ अटैक कर रहा हूं, ये तो ऐसा लग रहा है देखिए कि वो उसकी ट्रू फॉर्म नहीं है।
अगर ऐसी बात है तो उसकी असली फॉर्म कहाँ पे है? फिर वो अपने आईज को क्लोज कर लेता है और सोच रहा होता है, मुझे अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन को यूज करना पड़ेगा ताकि मैं देख पाऊँ उसकी ट्रू बॉडी कहाँ पे है। वो ऐसे आईज क्लोज करके देख रहा होता है पर उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं तो कुछ भी रिपल्स को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी चेंजेस को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ इस एरिया में। सीमयोंगली बिल्कुल उसके कान के पास आ जाती है और बोलती है, तुम अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन को यूज करना चाहते हो मेरे को फाइंड करने के लिए? ये गुड आइडिया पर अनफॉर्चुनेटली ये यूजलेस है, क्योंकि फिर लूजिंग पीछे देखता है और सीमयोंगली होती है वो दो में कन्वर्ट हो जाती है और बोलती है, जितना की तुम्हारा नॉलेज और एबिलिटीज है तुम्हें इतना भी नहीं पता कि एक पर्पल पैसिव टेरिटरी होती क्या है। लूजिंग ऐसे अपने हाथ मार रहा होता है और वो जो सीमयोंगली होती है वो स्मोक की तरह कन्वर्ट होके गायब हो जाती है। वो हंस रही होती है और बढ़ ज्यादा अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है बढ़ ज्यादा सीमयोंगली में। वो बोल रही होती है कि तुम्हारे लिए तो एक अनसॉल्व क्राइसिस है, तुम इसे सोल्व भी नहीं कर सकते हो। लूजिंग बोलते है कि इसकी ट्रू फॉर्म कहाँ पे है? ड्रैगन बोलता है कि इसीलिए पर्पल पैसिव बॉडी जो होती है वो बड़ी ज्यादा पावरफुल होती है। इसने जो कम्प्लीटली अपनी पर्पल पैसिव बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है, इसकी जो बॉडी वो एक्चुअली पर्पल पैसिव वर्ल्ड में है। लूजिंग बोल रहा होता है, पर्पल पैसिव रैलम? ड्रैगन बोलता है, हाँ, जो पर्पल पैसिव रैलम है वो एक छोटा सा रैलम है जिसको हम बड़ा नहीं बोल सकते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं पर्पल पैसिव बॉडी में वो कनेक्टेड होते हैं उस रैलम के साथ जब वो एक्टिवेट कर लेते हैं अपने पर्पल पैसिव बॉडी को। ये हम सिमिलर बोल सकते हैं जैसे कि तुम्हारा कनेक्शन है किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन से, वेल इसे स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन बोलते थे पहले, पर बात ये एक्चुअली कि तुम सिर्फ अपनी की कोई किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन में डाल सकते हो पर वो डायरेक्टली छुप सकती है उस रैलम में। और ऊपर से बात ये कि जो पर्पल पैसिव रैलम है वो इतना बड़ा नहीं है, जिसने उसे क्रिएट किया था वहाँ पे उसने 990 बिलियन स्वॉर्ड्स को भी डाला है। जिसके पास भी पर्पल पैसिव बॉडी होती है वो उन सभी बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स को यूज कर सकता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। लूजिंग हैरान होकर बोलता है, क्या बोला तुमने? ड्रैगन बोलता है, देखो ध्यान से वो आ रही है, तो एक बड़ी सी स्वॉर्ड लूजिंग की तरफ आ रही होती है। लूजिंग उसे डोज करता है और पीछे की तरफ मूव करता है, तो वैसे दो और स्वॉर्ड्स आ रही होती है। लूजिंग बोलता है, क्या तुम ऐसा भी कर सकते हो? पर्पल पैसिव बॉडीज तो बड़ा डिफिकल्ट है मारने के लिए। लूजिंग उन दो स्वॉर्ड्स को तो रोक लेता है, तो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोलते हैं, क्या चल रहा है, इस बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स आ कहां से रही है? दूसरा मार्शल आर्टिस्ट भी बोलता है, ये आ कहां से रही है, ये कैसे सकते हैं, यहाँ पे तो और आ रही है। तो वह लूजिंग की तरफ बड़ा स्पोर्ट्स आ रही होती है, लूजिंग उन्हें डोज कर ले रहा होता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कि लूजिंग का स्पेस तो कम होता जा रहा है। लूजिंग सोच रहा होता है कि ऐसे चलता रहा, ये ऐसे छुपती रही पर्पल पैसिव बॉडी में तो मैं कैसे हराऊंगी इसे। तो ड्रैगन बोलते है, नहीं, हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है। लूजिंग बोलते, मुझे जल्दी बताओ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। तो ग्रीन ड्रैगन बोलते, तुमने मेरे से पूछा नहीं तो। रेड ड्रैगन बोलता है हंसते हुए कि ओल्ड नाइन जो है वो बड़ा ज्यादा स्लो है, चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जिन भी पीपल के पास पर्पल पैसिव बॉडी होती है वो स्पेशल सिंगुलैरिटीज को क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर सके पर्पल पैसिव रैलम के साथ। वो अभी उस स्पेशल सिंगुलैरिटी में है, तुम्हें वो बस फाइंड करनी है। मतलब स्पेशल सिंगुलैरिटी मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वजह से कनेक्शन बना हुआ है सीमयोंगली और पर्पल पैसिव रैलम के बीच में। लूजिंग बोलते हैं, सिंगुलैरिटी? अब वो स्पेशल सिंगुलैरिटी कहाँ पे है? ग्रीन ड्रैगन बोलते हैं, हमें भी क्या पता अब, पर ये हो सकता है कि उसकी स्पेशल सिंगुलैरिटी ऐसी जगह पे, ऐसी फील्ड पे कहीं पे ये छुपी हुई है। अगर तुम स्पेस लो को यूज करोगे और सर्च करते रहोगे तो तुम्हें पक्का ही मिल जाएगी। लूजिंग डोज कर रहा होता है स्वॉर्ड्स को, यहाँ वह देख रहा होता है। लूजिंग ऐसे कंटिन्यूसली डोज करते रहता है स्वॉर्ड्स को, स्वॉर्ड्स उसके ऊपर गिरती रहती है। मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि ये कर क्या रहा है लूजिंग, ये अपने लिए ओवर टाइम बना रहा है? निंग सोच रही होती है कि सिचुएशन बुरी लग रही है, क्या मुझे सच में ये यूज करना पड़ेगा बियर्ड बीस्ट आई को? फिर हमें बताया जाता है कि जो 13 लीडर है क्लाउड टेम्पल का, इसने ये फाइंड किया हुआ था नॉर्थन ग्लेशियर में 4000 साल पहले और इसे प्रिजर्व करके रखा हुआ था एक क्रिस्टल में सीक्रेट स्पेल की हेल्प से। जब ये बना था तो ये 3 टाइम यूज हो सकता है सिर्फ। निंग सोच रही होती है कि जो बैरेट बीस्ट है वो एक सुपर डिवाइन बीस्ट नहीं है पर उसे एक ट्रू ड्रैगन का मोर्टल एनमी माना जाता है। अगर इस आई की पावर को एक्टिवेट किया जाए तो एक्चुअली एक वर्चुअल डिजास्टर रैलम के मार्शल आर्टिस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। पर ये इम्पॉसिबल चूजी को मारना जो कि एक वर्चुअल डिजास्टर रैलम से ऊपर वह लिम्बो रैलम में है, पर सीमयोंगली को जो कि छुपी हुई है उसे मारना डेफिनेटली पॉसिबल है। पर ये क्लाउड टेम्पल को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देगा उससे क्लाउड टेम्पल बच नहीं पाएगा। वेल निंग तो ऐसी ऐसी चीजें करने के लिए भी तैयार है लूजिंग के पीछे। लूजिंग यहाँ वहाँ देख रहा होता, सोच रहा होता है कि मुझे अभी भी नहीं मिला। फिर लूजिंग के ऊपर दिखाई देता है वो एक गोल्डन कलर का सर्कल होता है। लूजिंग जंप करता है और स्पोर्ट्स आ रही होती है उसकी तरफ। लूजिंग ऐसे स्पोर्ट्स के ऊपर चढ़ चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वो अपनी स्पोर्ट को निकाल लेता है और उस स्पेशल सिंगुलैरिटी को स्पोर्ट से मारता है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं तो बड़ा अजीब है, लूजिंग करना क्या चाहता है? लूजिंग फुल फोर्स से अटैक करता है और वेल वो वहाँ पे एक्चुअली सीमयोंगली होती है। वो सीमयोंगली को लगता है और सीमयोंगली के मुंह से खून निकलाता है। लूजिंग सीमयोंगली के सामने होता है और जो पर्पल पैसिव टेरिटरी होती है वो पूरी तरह से गायब होने पड़ती है। लूजिंग बोल रहा होता है कि तुमने तो बोला था कि पर्पल पैसिव इम्पॉसिबल है क्रैक करने के लिए। सीमयोंगली बोल रही होती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और
सोचा भी नहीं था कि तुम स्पेशल सिंगुलैरिटी को फाइंड कर लोगे इतने ज्यादा घटिया मेथड से। लुजंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए और बोल रहा होता है कि चलो मैंने तुम्हें फाइंड कर लिया है तो अब तुम यहाँ पे मरना होगा। सिमयोंगनिंग बोल रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, पर अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम जीत गए हो तो तुम यहीं पे गलत हो। सिमयोंगनिंग वहां से गायब हो जाती है स्मोक की तरह और साइड में अपीयर हो जाती है। सिमयोंगनिंग बोलती है कि ये मेथड इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, मैं अभी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो अपने हाथ से कुछ रिलीज करती है और बोलती है कि टेस्ट करो ट्रू टेरर को। वो एक ब्लड टेक्निक को यूज कर रही होती है और एक सर्कल टाइप को फॉर्म करती है ग्राउंड में। सो गाइस चैप्टर नंबर 107 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।